नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। यूक्रेन के हालत अभी भयावह है। यहाँ जिंदगी सहमी हुई है, कोई मकानों के कमरों में कैद है, बेसमेंट बचाव का सहारा बने हैं। खाने पीने का संकट ने भी चिंता को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। रोमानिया बॉर्डर देश लौटने की उम्मीद की एक आखिरी किरण है। इसी के साथ अब छात्रों ने लक्ष्य रोमानिया बनाया है, तेजी के साथ बॉर्डर की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ छात्र वहां पहुंच भी गए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं की हालत बहुत खराब है। खाने पीने का संकट गहरा गया है। सर्दी से भी छात्र कमजोरी महसूस कर रहे हैं। उनका हाल बेहाल है। रात में बर्फबारी हो रही है। घरों से निकलकर छात्र खुले आसमान में रह रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर से छात्रों का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ छात्र खुले आसमान के नीचे हैं, ऊपर से बर्फबारी हो रही है। वहाँ का तापमान -5 डिग्री है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में छात्र जीने को मजबूर हैं। टाइट अंडरस्टैंड मत करिएगा ऐसा कभी किसी के साथ। बहुत तकलीफ हो रही है हमें। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें, हम 3 रात से इस तरह खुले आसमान के नीचे अपनी रातें काट रहे हैं। हमको भी नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। यहाँ हम किसी के बम से मरेंगे नहीं मरेंगे, लेकिन ठंड से जरूर मर जाएंगे। भारत सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और इंडियन एम्बेसी को भी जो यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी का एक भी ऑफिशियल यूक्रेन साइड पे नहीं है और ना हमारे साइड पर है। एकदम बिल्कुल गलत जो रवैया है वो बहुत बेकार। सर हम आपके सिटीजन है सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप में नहीं थी हिम्मत तो आप बोल देते कि हम नहीं कर पाएंगे, आपको मरना है मर जाइए जहाँ पर भी है। आप ऐसा क्यों किए सर हमारे साथ? जब आपके पास कोई प्लान नहीं था तो आप क्यों नोटिफिकेशन जारी किए? यहाँ अगर एक बच्चे की भी जान जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? क्या इंडियन एम्बेसी जिम्मेदार होगी, क्या यूक्रेन की सरकार जिम्मेदार होगी, या भारत सरकार होगी? आज ये बच्चे पूछेंगे आपसे सर प्लीज। हम कोई इलीगल माइग्रेंट्स तो नहीं है, हम लीगली यहाँ पे रहते हैं। उसके आज कोई आज, ऐसा आज हो रहा सब है। कोई चुप है, इसलिए कि सबको घर जाना है, सब सह रहे हैं इसलिए कि सबको घर जाना है। -10 टेम्परेचर है यहाँ का सर, और हम आप हमको छोड़ दिए ऐसे ही। ठीक है सर, सबको याद रखा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सच लव एंड रिस्पेक्ट।